एक लेखपाल पर दिव्यांग से जबरन रिश्वत लेने का न सिर्फ आरोप लगा है बल्कि वीडियो भी सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि एक दिव्यांग शख्स जो कि अपनी जमीन की पैमाइश को लेकर के लगातार वो परेशान रहा, बार बार लेखपाल और पटवारी के पास में गया, मगर उसकी जमीन की पैमाइश 1,75,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लेखपाल को देने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो सकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए से आप समझ रहे हैं कितनी बेशर्मी के साथ में वो लेखपाल वो पटवारी इस वक्त दिव्यांग से इस वीडियो में जैसा कि दिख रहा है कि पैसे लेता है, उसी के सामने गिनता है और ये सब कुछ वहां पर मौजूद दफ्तर में दूसरे लोगों के सामने भी धड़ल्ले से हो रहा है। यानी कि इस बात को समझा जा सकता है कि किस तौर पर लेखपाल हो या पटवारी हो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं और ये सबको पता है क्योंकि धड़ल्ले से अपने दफ्तर में दूसरे लोगों के सामने ये शख्स पैसे ले रहा है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। मौजा सोएपुर में हमारी जमीन है, उसमें हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे लोग, हमको मालूम हुआ तो हम जाकर उनको बताए, पुलिस चौकी पर गए। पुलिस चौकी वाले कहे कि हम ऐसा है कि आप जाइए लेखपाल कानगो से नापी अपना कराइए, पैमाइश कराइए। फिर लेखपाल के यहाँ गए, लेखपाल ने कहा कि चलिए ठीक है, आपका काम हम कर देंगे, हमको पैसा 50,000 रुपया दीजिए। करीब हमको उम्मीद है साहब कि 1,50,000 रुपया पहले दे चुके हैं और 25,000 रुपया फिर उधर दिए। लेखपाल हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये वीडियो जो है वो कब का है और क्या है। पहले बताएं आप हमारे दर्शकों को वीडियो कब का है। ये वीडियो करीब साल भर के पहले का है जी। फिर ये दिव्यांग आरोप क्यों लगा रहे हैं आप पे कि आपने इनसे पैसे की डिमांड की, नापी के एवज में आपने नापी भी नहीं किया और 1,75,000 रुपये आप ले लिए। सर नापी की कोई बात ही नहीं है, इनके बैनामे की जमीन थी, हम जिसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल नहीं, एक साल भर पहले का है, वो मेरे घर के अंदर का है। उन्होंने फ़ोन किया था केदार यादव ने कि आप पैसा रख लीजिएगा, हम आएंगे हमको दे दीजिएगा। वो आए और पैसा मैंने उनको वापस कर दिया, वो घोष का पैसा नहीं था। कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये वीडियो, दिव्यांग जिसमें दावा कर रहा है कि ये वीडियो 1,75,000 रुपये का जमीन नापी के नाम पर सौदेबाजी का है। इसमें 25,000 रुपये लेखपाल लेते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को लेखपाल साहब सिरे से खारिज कर रहे हैं कि रिश्तेदार है, लेकिन दिव्यांग की माने तो दिव्यांग का कहना है कि ये घूस का पैसा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 TV के लिए राजू श्रीवास्तव।